Hello students, welcome back to Frescon Academy of Science. And I'm Rajat sir and I'm teaching you physics. And we are doing a very very beautiful chapter called Electromagnetic Induction. इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में वीडियोस देखे, इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ा, जहां को ये समझाया गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि जब हम एक मैग्नेट को या एक सोर्स को, एक मैग्नेट को हम जब आगे पीछे करते हैं, मूव करते हैं, तब कॉइल में अपने आप क्या आ जाती है, करंट, ईएमएफ। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। सो दो फॉर्मूले जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, पहला होता है फ्लक्स विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, और एक हमने पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये दो बड़ी चीजें हमने पढ़ी थी। एक और पढ़ा था मोशन वाले में E इज इक्वल टू बी वी एल। सो आज हम इनके आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने मोशनल ईएमएफ की बातें की थी और ईएमएफ को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। सो लेट्स मूव अहेड। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। अब यार इसका मतलब क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड, मतलब खुद ही को छुओ और खुद ही में चेंज लाओ, खुद ही में करंट लाओ। समझो इस चीज को, और ये बहुत बढ़िया बात है बिकॉज इसको अगेन बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों ने यूज किया है, साइंटिस्ट लोगों ने इसके एप्लीकेशंस निकाले हैं। इट्स वंडरफुल। ओके, बहुत सारी जगह पे, जनरेटर में और आगे जाके बहुत सारी चीजों में, ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत जगह इसका यूज है। तो अच्छे से समझना यार, सेल्फ इंडक्शन नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंड्यूस मतलब हमें पता है छूना नहीं है, सेल्फ मतलब खुद, मतलब खुद को बिना छुए खुद के अंदर करंट लानी है। ठीक है, क्या है ये, आओ समझाता हूं। ठीक है, सो बढ़िया चीज है। देखो सबसे पहले ये देखो, मैंने एक सर्किट बनाई। ठीक है, ये मान लो मैंने की के लिए रखा और यहां पे ये मेरा कॉइल है। गॉट इट? सो दिस इज द अरेंजमेंट आई हैव। ठीक है, बढ़िया अरेंजमेंट है, आपको दिख रहा है एक कॉइल है ना, और ये मैंने यहां पे सोर्स लगाया है। सोर्स लगाने के बाद मैंने यहां से करंट को भेजा आई, ये करंट जा रहा है और ये करंट आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे ही मैंने ये स्विच को ऑन किया वैसे ही यहां से करंट जाना शुरू हो गया, करंट ऐसा घूम के इधर आ रहा है, सिंपल है सर। इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड क्या है, तो अब देखो एक बात बहुत बढ़िया चीज। सबसे पहली बात, नाउ व्हेन द करंट इज मूविंग, मैंने यहां पे करंट दिया मान लो 5 एम्पीयर का, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने स्विच ऑन किया फट करके 5 एम्पीयर चला गया तो सर्किट उड़ जाएगा फट करके, है कि नहीं है। तो करंट धीरे धीरे हौले हौले बढ़ता है। करंट विल मूव फ्रॉम 0 to 5 एम्पीयर, पहले 0 एम्पीयर, फिर धीरे 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 5 एम्पीयर। समझ रहे हो मेरी बात, पक्का? ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया ये करंट हौले हौले धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से 5, मतलब कह रहा है इससे कि धीरे धीरे हौले हौले करंट इंक्रीज हो रहा है। हाँ, समझे मेरी बात, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो करंट फटाक से 5 एम्पीयर नहीं जाएगा, वो 0 to 5 जाएगा। जब तुम स्विच ऑफ करोगे तब वो 5 से 0 आएगा, फट से 0 नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब सर इसमें इंडक्शन किधर है, ई किधर है, ईएमएफ किधर है? देखो, अब जब ये करंट यहां पहुंचेगा अब ये कॉइल के अंदर घुसना चाहूंगा, और हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कि जब कॉइल में करंट घूमता है तो वहां पे बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। याद आ गया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोल बोल, है नहीं? म्यू नॉट, या तो सोलेनोइड याद करो, है कि नहीं? याद नहीं है? सोलेनोइड में गोल 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 गोल, इट्स अ सोलेनोइड ओनली, है ना? म्यू इक्वल टू बी, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, पढ़ा था ना यार, टोरॉइड सोलेनोइड याद करो ना। हाँ, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई याद आया ना, बढ़िया। ठीक है, अब बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए है तो बी को बी डालो, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ठीक है, यहां पे अगर एन टर्न्स है तो कैपिटल एन बी ए लिख देते तो ये ऐसा आ जाएगा, एन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, जिससे मुझे एक साफ चीज दिख रही है कि फ्लक्स और करंट दोनों क्या है,
आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मेरा करंट बढ़ेगा तो क्या मेरा फ्लक्स भी चेंज हो रहा है? हाँ, बात समझ में आई ठीक है, कि मेरा करंट जीरो से हौले हौले कितना हो गया 5 एम्पियर, धीरे धीरे करंट बढ़ा रहा हूं ना, जैसे ही करंट बढ़ रहा है धीरे धीरे क्या मेरा फ्लक्स भी बढ़ रहा है? हाँ। तो क्या मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है? हाँ। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो भैया क्या आ जाता है? ईएमएफ याद आ रहा है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यों आता है? क्योंकि वो इस करंट के बढ़ने को अपोज करना चाहता है। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, समझ गए ना, तो बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक करंट छोड़ा, करंट के डायरेक्शन ऐसा घूम रहा है। अब ये करंट जो है वो धीरे धीरे हौले हौले बढ़ रहा है 0 to 5 एम्पियर। जैसे ही करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, तो फ्लक्स भी जीरो से आगे जा रहा है। ठीक है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर यहां पे फ्लक्स चेंज होता है इसका मतलब वो जो कॉइल है उसको वो चेंज नहीं पसंद। ये हम पढ़ चुके हैं लॉजिक, अगर उसको वो चेंज नहीं पसंद तो वो अपने अंदर में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से करंट बनाता है, जो करंट इस करंट को अपोज करता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो मतलब इसके अंदर एक ऐसा करंट बनेगा, एक ऐसा ईएमएफ बनेगा जो इस करंट को अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब उसका डायरेक्शन होगा ये उल्टा। समझे? पक्का? एक बार और। ठीक है, क्या हुआ, मैंने क्या दिया इनको करंट, करंट की वजह से कॉइल में सोलेनोइड है, मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो हमने पढ़ा है B equal to mu not ni, फ्लक्स इज B n B a, सो B को मैंने लिख दिया क्या mu not ni a into n, ठीक है कि नहीं? अच्छा, I और A, फाइव, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है जीरो से फाइव, तो फ्लक्स भी बढ़ गया, फ्लक्स चेंज हुआ। मैंने बताया था फैराडे लॉ ने के हिसाब से, अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो वहां पे क्या होगा, उस चेंज को वो कॉइल पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता है, यानी कि वो करंट को बढ़ने नहीं देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो उल्टे साइड में ईएमएफ बना देगा। और इसलिए इस पर्टिकुलर टाइप के ईएमएफ को जहां पे हमको दिख रहा है कि करंट इंक्रीज हो रहा है, हमने स्विच ऑन किया है, करंट इंक्रीज हुआ है और डायरेक्शन ईएमएफ का ऐसा है। ठीक है, सो इस टाइप के ईएमएफ को बोला जाता है बैक ईएमएफ, समझे? और इसी को कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड। हो गया ना सेल्फ इंड्यूस्ड, मतलब वो खुद ही ने खुद ही को इंड्यूस कर दिया। हमने कुछ किया क्या? हमने कोई चीज आगे पीछे लाइन किया? हमने कछु नहीं किया, कछु भी नहीं किया, हमने सिर्फ स्विच ऑन किया था। हमने सिर्फ स्विच ऑन किया था, ये अपने आप इंड्यूस हो गया और अपने आप उसने एक उल्टे डायरेक्शन में कॉइल में एक ईएमएफ, एक करंट बना लिया, ताकि इस वाले करंट को वो डैश कर सके, ऑपोज कर सके। कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या नहीं कि मैं लिख सकता हूं कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहां पे प्रोपोर्शनल की जगह में लिखूंगा एल आई, और ये जो एल है इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, समझे? तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ठीक है, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, सो फाई इज इक्वल टू एल आई, सो फाइव इज इक्वल टू एल आई, विच मीन्स एल ये जो है कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को मान दे कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एल, द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो वी कैन से एल इज इक्वल टू फाइव बाई आई। तो अब इसका डेफिनेशन भी लिखा सकते हो, अगर आपको कोई पूछे कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन बताओ हो, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बढ़िया बता सकते, क्यों नहीं बता सकते? क्यों, क्या बताओगे कि सर अगर मैं एक एम्पियर करंट दूं, अगर मैं एक एम्पियर करंट दूं तो धीरे धीरे फ्लक्स कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल हो जाता है। समझ में आ रहा है? इमेजिन करो अगर मैंने एक एम्पियर करंट दिया जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होता है 50 का, मैंने एक एम्पियर करंट दिया जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है 50 का, तो यानी कि उसका सेल्फ इंड्यूस्ड या इंडक्शन यानी कि एल भी कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, क्लियर है बात?
समझ में आया? ठीक है, सो वी कैन राइट phi एक्सप्रेशन टू I, phi equals to Li, L is equals to phi by I, flux upon current, या rate of flux, जो भी हम बोले, rate of flux नहीं, flux upon current, ठीक है, per unit current ऐसा कहते हैं. तो अगर मेरा I 1 ampere, तो मेरा L is equals to phi, and that's the definition of coefficient of self-induction. समझ में आया? ठीक है, अच्छा चलो अब इसका उल्टा, ठीक है, अब ये तो बात हो गई, हमने करंट स्विच ऑन किया था, ये जो कंडीशन किया था, ये कहां की कंडीशन थी, ये स्विच ऑन की कंडीशन थी. अब अगर मैंने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ किया तो क्या होगा बोलो? तो अब जो करंट है, करंट का डायरेक्शन यही रहेगा, लेकिन अब वो जीरो से, वो वन से जीरो हो गया, समझे, स्विच ऑफ किया तो ये वन एम्पियर से जीरो एम्पियर पे आ गया, बात समझे? ठीक है, अब देखो मैं वापिस यहां बना देता हूं, ठीक है, अब ये देखो, ये हम ऐसे वापिस बना लेते हैं एक बार, ठीक है, चलो अब क्या हुआ, करंट वही है, मैंने स्विच को ऑफ किया, जब मैंने स्विच को ऑफ किया तो ये 1 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया, हुआ कि नहीं, मेरा करंट अभी 1 से 0 हो गया. अब बोलो यहां पे करंट कम हो रहा है, फ्लक्स भी कम हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो ये जो है अपने अंदर का जो है, ये जो कॉइल है, ये जो ईएमएफ बनाता है, ये क्या करेगा, इसको करंट अब बढ़ाना है कि कम करना है? यहां पे मेरा करंट बढ़ रहा था तो ईएमएफ ने बैक ईएमएफ लगाया ताकि करंट कम हो जाए, अब मेरा करंट कम हो रहा है तो मेरा ईएमएफ हमेशा उल्टा काम करता है, याद है कि नहीं है? ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो करंट को करंट के डायरेक्शन में भगाएगा ताकि करंट बढ़ जाए. ये बात मेरी समझ में आई? पक्का देखो पूरा कंसेप्ट ईएमआई का यहीं पे है कि इनको चेंज नहीं पसंद, दे वर्क अगेंस्ट द चेंज. यहां पे चेंज में क्या हो रहा था, करंट बढ़ रहा था, तो इसके लिए उन्होंने उल्टा डायरेक्शन में करंट डाला, ठीक है, ताकि वो करंट कम हो जाए, मतलब यहां से 5 एम्पीयर डाला तो ये उल्टा 5 डाल दिया, 5-5 जीरो हो गया, ठीक है. लेकिन अब क्या चाहिए, अब ये है कि वो अभी जीरो से, चलो ठीक है, 5 लिया था ना, मैं यहां पर भी 5 ले लेता हूं, अब ये 5 से जीरो हो रहा है, अब ये 5 से 0 हो रहा है, पर इसको क्या चाहिए कि 5 ही रहे, तो वो 5 दे देगा ताकि वो 5-5 रहे, समझे? तो यहां पे जो डायरेक्शन है वो ऐसा होगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बात दिमाग में बैठा लो, क्योंकि काफी बार आपको ये पूछा जाएगा, ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया के हर एंट्रेंस में, हर जगह जहां जाओ, ये कंसेप्ट दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है. पक्का? क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं ना? ठीक है, देखो सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट एकदम प्यारा, स्वीट सा, क्लियर सा, ठीक है. क्या हुआ यहां पे, जीरो से 5 एम्पियर बढ़ गया, करंट बढ़ गया, कॉइल ने क्या बोला, भैया मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मुझे करंट कम करना है, तो मैंने बैक ईएमएफ दे दिया. यहां पे मेरा स्विच ऑफ हुआ तो 5 एम्पियर से मैं 0 एम्पियर पे आ गया, तो इसको क्या चाहिए, इसको तो करंट कम हो रहा है तो इसको करंट बढ़ाना है, तो उसने करंट के डायरेक्शन में करंट डाल दी. सो ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ यू शुड अंडरस्टैंड. स्विच ऑन में इट इज ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्विच ऑफ में इट इज विद द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, विथ द डायरेक्शन ऑफ करंट जब वो स्विच ऑफ हुआ था, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट जब वो स्विच ऑन. बहुत अच्छे से लिख लो, बहुत अच्छे से समझ के लिख लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते. अब ये कंसेप्ट को हम आगे लेके जाते हैं, ठीक है, और ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्लियर हो गया है. ग्रेट, अभी चलो सुनो, अभी मुझे क्या पता है, देखो नाउ आई नो दिस, सो आई नो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, सो आई कैन राइट ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. दिस इज द ईएमएफ, आई गाइस ऑलवेज नो इट इज माइनस बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ, जिसने बोला था इसके ऑपोजिट जाना है. ठीक है,
तो ये एक क्लियर कंसेप्ट है। यहाँ पे हम लोग बैक ईएमएफ किस तरफ ले रहे, इस तरफ ले रहे, क्योंकि करंट के ऑपोजिट है, करंट इंक्रीज हो रहा था, यही पे 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर करेंगे तो इधर आ जाएगा। ये मैं समझा दिया हूँ प्लीज अच्छे से, ठीक है। अच्छा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ एल आई बाई डी टी लिख देंगे, फाइ इज एल आई, एल इज कॉन्स्टेंट तो एल को बाहर ले लेंगे, सो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये बात समझ में आ गई, प्यार से समझ में आ गई, एकदम बहुत बढ़िया बात कही है। ये इसका डेरिवेशन है, phi is equals to li, flux is equal to li, so E is equal to minus of d phi by dt, so phi is l into i, so l constant bar di by dt। अब इसका मतलब क्या भैया, सोचो dt छोटू सा टाइम है, अगर मैं छोटू से टाइम में थोड़ा भी चेंज करूं तो मेरा emf फट करके बढ़ जाएगा, because emf is universally proportional to time। अगर मैं छोटू से टाइम में थोड़ा सा भी चेंज करता हूं तो emf फट से बढ़ जाता है। So E is equals to minus L di by dt, di by dt मतलब कि करंट कितने देर में चेंज हो रहा है, ठीक है। So ये वाला फंडा आपको याद रखना है, E proportional to di by dt और E is equals to minus L di by dt, ठीक है। And L is what? Self induction, ठीक है। अच्छा, L के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि ये L जो है, ये L का क्या वैल्यू आ सकता है। So we know L is equals to phi by I, ठीक है, L is equals to phi by I, which is flux upon current। ध्यान दो, flux upon current, flux का फॉर्मूला हमें पता है B dot A upon I, B का फॉर्मूला है, sorry you can write N B A, so N mu not N I A upon I, ठीक है ना, ओके, सो ये आई आई कट सकता है। नाउ वी गेट व्हाट, वी गेट एन म्यू नॉट एन ए, ठीक है। अब इसमें से एक बात याद रखो, जब ये कॉइल की बात आती है तो याद रखो कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू एल, ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एल, ओके। सो So now capital N is equal to N into L. So यहां पे आप N into L लिख दो तो you get N L mu not N A, or I can write it as N square L mu not N A, mu not A. ये बात समझ में आ गई, ठीक है, all of you, ये clear है कि नहीं, ठीक है। एक बार और, यहां पे current current कट गया, current कट गया तो अब लिख सकते हैं इसको हम लोग N mu not n into a. Now n is the total number of turns, which is equal to the total number of turns into the length. पूरे length में कितने turns हुए? ठीक है कि नहीं? So n into l. So इसको मैं यहाँ put करता हूँ. So I can write n l mu naught n a. So I can write n square mu naught l a. ठीक है ना? बराबर है. तो ये एक l का formula आपको याद रखना है. याद रखो ये एल क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एंड ये एल है लेंथ ऑफ द सोलेनोइड या लेंथ ऑफ द या कॉइल, जो भी तुम्हारा लेंथ है वो टोटल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे एन को एन एल लिखा है, हमने एन को अगर एन एल ए लिख के स्मॉल एन को चेंज किया, ध्यान देना, अगर मैंने स्मॉल एन को चेंज किया तो एन म्यू नॉट, अब एन की जगह क्या लिखोगे तुम, एन बाई एल इंटू ए, so you get what, mu not n square a by l, ये भी एक solution है, समझे, ठीक है। so l मतलब coefficient of self induction, और coefficient of self induction को लिखने के इस तरह के दो तरीके हैं, l is equals to n square mu not i, sorry l into a, and l equal to mu not n square, ये में small n है, यहाँ पे capital n है, capital N is equal to small n into L, which is the total number of turns into the length, the total length, ठीक है। So guys, this is self-induction. I hope you all have understood this concept beautifully, because self-induction अपने में बहुत मजेदार concept है, ठीक है।
डायरेक्शन दिमाग में रखना, अगर मेरा स्विच ऑन हुआ है, मेरा करंट इंक्रीज हुआ है तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मैं स्विच ऑफ किया हूं तो विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ईएमएफ एन फाई इक्वल्स टू एलआई ई इज इक्वल टू माइनस एमवी, और बाकी तो बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं। सो गाइस बी रेडी विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ओके गाइस, सो इट्स अ काइंड ऑफ सोलेनोइड, इसको हमने यूज किया कॉइल के हिसाब से इन अ सर्किट, और हमने देखा व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। एनी डाउट्स एनी टाइम, कभी भी मैसेज करो, कभी भी पूछो, या नीचे कमेंट करो, कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क। ओके, बाय बाय, एंजॉय।